हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साइंस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपके जो आपके कॉमन लाइफ से रिलेटेड होगा। दोस्तों, अगर आपको इसी टाइप की और भी साइंस की वीडियो चाहिए तो हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल हार्ट बीट में आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक में जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे सोलर सिस्टम को। यह है सूरज, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार। इसके आसपास उपस्थित हर वस्तु इसकी ओर आकर्षित होती है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए हमें अरबों साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय अंतरिक्ष तारों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि एक विशाल गैस का बादल था। इस बादल के एलिमेंट्स एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। ऑब्जेक्ट्स जितने अधिक विशाल होते हैं, उतनी ही स्ट्रॉन्गली वे अन्य ऑब्जेक्ट्स को आकर्षित करते हैं। इसी इफेक्ट को ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स एक ही स्थान पर जमा हुए। सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है जिसका मास सोलर सिस्टम में उपस्थित सभी चीजों का लगभग 98% है। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर से ये अपने चारों ओर उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ग्रेविटी के अलावा कुछ और फोर्सेस भी अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित करते हैं। ये सभी फोर्सेस एक साथ मिलकर सभी ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। यदि एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे के चारों ओर घूमती है तो हम इस मूवमेंट को एक ऑर्बिट कहते हैं, जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी को ऑर्बिट करता है। 8 ग्रह सूरज को ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से आंतरिक हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड बेल्ट और ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बौना ग्रह प्लूटो भी सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन सूरज केवल हमारे सोलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल सेंटर ही नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी सोर्स भी है। न्यूक्लियर फिजन से उत्पन्न ईंधन से सूरज प्रकाश और कणों की एक स्थिर धारा की बौछार करता है, जिसे सोलर विंड कहते हैं। कभी कभी आप इसे पृथ्वी से देख सकते हैं। इस स्पेक्ट्रल को ऑरोरा बोरियालिस या नदर्न लाइट भी कहते हैं। ज्यादातर ये हमारे ग्रह के पोल्स के आसपास के क्षेत्र में दिखाई देती है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इस इकाई का उपयोग अंतरिक्ष में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। सोलर सिस्टम का अंतिम ग्रह नेपच्यून सूरज से 30 AU दूर है। सोलर विंड 150 AU तक ट्रेवल करती है और इसकी पहुंच को हेलियोस्फीयर कहते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम इससे बहुत बड़ा है। इसकी बाउंड्रीज बहुत दूर सूरज की ग्रेविटी की पहुंच तक फैली हुई है। ये ऊर्ट क्लाउड नामक एक जगह तक फैली हुई है, जहां से अधिकांश धूमकेतु या कॉमेट्स आते हैं, लगभग 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर। हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर स्थित ज्यादातर जगहें अभी भी बड़े पैमाने पर अज्ञात हैं, और हम अभी भी अंतरिक्ष की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बिना किसी रहस्य के हमारा सूरज एक रियल स्टार नहीं होगा, है कि नहीं?